देश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो रहे हैं साहब, अब आर पार के बगैर कोई समाधान नहीं है। सरकार ऐसे नहीं चेते। मैं दावा करता हूँ इस प्रदेश के जितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे या किसान, आप एक बार अंदाजा लगा के देख लो, 2014 में चना, सरसों, धान, कपास, मूंग, मोट, गुआर का क्या रेट था और आज क्या है। कम से कदम कम दो कदम तो चल के दिखलाते, दो कदम तो, बल्कि लागत किसान की डबल हो गई है और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। आज बेचारा बिहार का किसान अपने यहाँ कुछ 1750-1700 के आसपास इसका मक्का का MSP रखा हुआ है, वहाँ पर 600-700 से ऊपर नहीं बिका है साहब, आप तसल्ली करके देख लो। धान वहाँ पर 1200 से ऊपर नहीं बिका है, आप तसल्ली करके देख लो। वन नेशन वन मार्केट, मैं मेरे तोसाम का 5 किलोमीटर है, मैं मेरे वन नेशन वन मार्केट का मैं करूंगा क्या? मैं आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के एक दाना नहीं लेके गया हूँ किसी चीज का। उस मार्केट में कर्नाटक कैसे लेके जाऊंगा, मैं हैदराबाद कैसे लेके जाऊंगा, मैं पटना कैसे लेके जाऊंगा जिसका किराया इतना बड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब किसान की बर्बादी के सिवाय इन अध्यादेशों में कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये देश खड़ा हुआ था, ये ढांचा खड़ा हुआ था, मंडियों का ढांचा। आज देश में कितने करोड़ों आदमी है जो मंडियों में रोजगार कर रहे हैं, कितना किसान का पैसा लग करके कितने बड़े बड़े सेड खड़े हुए थे, ये उसको ध्वस्त कर देंगे। तो सरकार को जरूरत है ऐसे ऐसे कुकर्मों को सुधारे, जबकि ये रोज एक थैला भर के चले आते हैं। अब तो डर लगने लगा है देश की जनता को, कहीं बाथरूम में से कोई नेता मंत्री ना निकला और आते ही कोई योजना लॉन्च ना कर दे। हम सिर्फ चीन और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, अंदर अगर अंदर से देश टूट गया तो पाकिस्तान और चीन हमें तो गुलाम रहना है इनके, हैं फिर वो कर लेंगे, फर्क क्या पड़ेगा। अंदर से मजबूत करो देश को, और किसान के बगैर मजबूत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसको उद्योग प्रधान देश बनाने की कवायद चली हुई है। WTO का प्रेशर हो या किसी बड़े बड़े अंबानी अदानियों का प्रेशर हो, बेचा जा रहा है किसान को। आज भी किसान को हम नहीं जागी तो भावी पीढ़ियां धिक्कारेंगी।